लोग सारे बच्चे हर एज के, बूढ़ा छोटा बड़ा यंग टीन, सुबह 8-9 बजे से आ रखे हैं एंड लाइन में खड़े हैं अपनी इंट्रो की वेट में। बट हम नहीं खड़े होंगे लाइन में, क्यों वो जानने के लिए देखिए एंड तक पूरा व्लॉग। इंट्रो फाइनली हो गया मेरा यार, और सिर्फ 15 मिनट लगे इंट्रो होने में, 15 मिनट के अंदर इंट्रो हो गया। अब कैसे हुआ, क्या मतलब लाइन मैंने कैसे सारी बीट करी? बट आई वाज टू मच इनटू ड्रामेटिक्स। ओह माय गॉड, थोड़ा ऑफ कोर्स इन दिस फॉर, तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कोर्स किया 1 साल का, उसके बाद हैदराबाद में भी थिएटर कर रहा था साथ में। सो हेलो लवली सोल्स, कैसे हो आप सारे? इट्स अ न्यू डे, न्यू बिगनिंग। और यार आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपकी डिमांड रहती है हर बार, कुछ बताओ कास्टिंग के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, इंट्रोस के बारे में। तो यार आज हम जा रहे हैं एक इंट्रो देने TPW। अब ये क्या होता है, दैट इज द परफेक्ट वे कास्टिंग। एंड इसका इंट्रो यार बहुत टाइम बाद मतलब आया है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इंट्रो कब होंगे, शुरू कब होंगे, इंट्रोस देखे, बिकॉज ये कंपनी एड्स वगैरह की कास्टिंग करती है, अच्छी एड्स की कास्टिंग करती है, मतलब हाई बजट। तो यार ये है आराम नगर में Part 2 में नियर मुकेश छाबड़ा ऑफिस, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं इंट्रो देने। आपको दिखाते हैं यार कैसा रहता है इंट्रो का। 8, 9, 10 आज फर्स्ट डे है, देखते हैं कितना रश होगा, क्या सिस्टम होगा। तो यार हम तैयार कैसे हुए, पहले हमने ड्रायर किया बालों को, प्रॉपर सेट कर लिए बाल, ओके इंट्रो के लिए जरूरी है। एंड हमने देन बाद में टी शर्ट प्रेस करी, बिकॉज कोई सलवेट ना हो एंड टी शर्ट प्लेन हो, बिकॉज यार जितना प्लेन पहनेंगे उतना आपका फेस बेटर एक्सपोज होगा, दिखेगा। तो वही चीज है, मतलब कुछ ट्रिक्स होती है यार इंट्रोस के लिए। सो जाने से पहले रियाज कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए रोज रियाज करना। रियाज में आता है ओम का उच्चारण, आ साउंड, सरगम उच्चारण। अगर आप चाहते हैं इस पे स्पेसिफिक वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट कर दो, बता दो कि हार्दिक भाई हमारे लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दो कि कैसे रियाज करें, एक एक्टर रियाज कैसे करता है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो और स्पेसिफिक बना दूंगा, बस आप सबका मुझे कमेंट चाहिए। एंड अगर 15-20 कमेंट से ऊपर आए तो वो वीडियो बन जाएगी। एंड रियाज के बाद हम करेंगे फेस जिम। अब ये फेस जिम होता क्या है, जैसे आप मसल्स को ट्रेन करते हैं जिम में जाके, वैसे ही कुछ मसल्स फेस पे होती हैं, तो उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए। तो आइए अब करते हैं फेस का जिम। सो दिस इज़ कॉल्ड फेस जिम। इससे आपके एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी फेस की हर मसल एक्टिव होगी एंड वो अच्छे से कैमरा में शोकेस होगी, राइट? दैट इज़ वाई हर एक्टर के लिए फेस जिम एंड रियाज डेली करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं देने इंट्रो, दिखाते हैं वो कैसा रहता है प्रोसेस TPW इंट्रोडक्शन का। हेलो लवली दोस्त, होस्ट फाइनली हम पहुंच चुके हैं TPW। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कितनी ज्यादा लंबी लाइन है, लोग सारे बच्चे हर एज के, बूढ़ा छोटा बड़ा यंग टीन, सुबह 8-9 बजे से आ रखे हैं एंड लाइन में खड़े हैं अपनी इंट्रो की वेट में। बट हम नहीं खड़े होंगे लाइन में, क्यों वो जानने के लिए देखिए एंड तक पूरा व्लॉग। इंट्रो देके आया है TPW में, हाँ क्या क्या पूछा बताओ जरा। नेम, एज, हाइट और समथिंग अबाउट योरसेल्फ इंक्लूडिंग योर हॉबीज एंड वर्किंग्स। क्या बोला तूने अबाउट योरसेल्फ में, क्या बोला? मैं हैदराबाद से हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी लास्ट ईयर फ्रॉम VIT बैंगलोर, बट आई वाज टू मच इनटू ड्रामेटिक्स। ओह माय गॉड, तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कोर्स किया 1 साल का, उसके बाद हैदराबाद में भी थिएटर कर रहा था साथ में 2-2.5 साल तक। एंड ये जो लंबी लाइन है, तू कितने में आया था यहाँ पे, इस लंबी लाइन को तूने कौन कर किया? 12:30 आया, और कब बारी आई? अभी हो चुके हैं 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना? ओह माय गॉड, इस लाइन को यार कॉन्कर करना पड़ेगा गाइस मेरे को। बट आई विल नॉट स्टैंड इन दिस लंबी लाइन, मैं 10 से 12 मिनट में फ्री हो जाऊंगा यहाँ से, कैसे वो जानने के लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा एंड तक, बिकॉज ट्रिक आने वाली है एंड में, आप भी वो चीज कर सकते हैं। ओ लवली सोल्स, इंट्रो फाइनली हो गया मेरा यार, और सिर्फ 15 मिनट लगे इंट्रो होने में, 15 मिनट के अंदर इंट्रो हो गया। अब कैसे हुआ, क्या मतलब लाइन मैंने कैसे सारी बीट करी, इसका राज हम डिस्क्लोज करेंगे ब्लॉग के एंड में, तो बने रहना ब्लॉग के एंड तक, ओके? टैलेंट है यार हमें, इट्स हार्दिक का ह्यूमर टैलेंट। सो 2 मिनट्स में हम अंदर आ चुके हैं TPW में। ये है TPW का वॉशरूम एंड यहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे आराम से 10-12 मिनट, बाल वगैरह बनाएंगे, सजेंगे, सवरेंगे
रिलैक्स करेंगे, बिकॉज आपको 10 से 12 मिनट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे ताकि वो हम ट्रिक इस्तेमाल कर सकें। साथ में वॉशिंग मशीन भी है, वो अपने कपड़े भी धो सकते हैं वहाँ पे, पर रहन दो, कपड़े नेक्स्ट टाइम धोएंगे आगे। सो द ट्रिक इज कि अंदर आके आपने इतनी लंबी लाइन तो बीट कर दी है, राइट? सो व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द वॉशरूम, सीधा बाहर आके लंबी लाइन में ना खड़े हो, आप अंदर आ चुके हो, अब मौके का फायदा उठाओ। जैसे आप बाहर आ रहे हैं वॉशरूम से, सामने आके बैठ जाओ। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आया, मैं सामने यहाँ लाइन में आके बैठ गया, एंड देन मैंने स्लेट भरी एंड चला गया इंट्रो देने अंदर। सो इस रूम में होता है इंट्रोडक्शन, बहुत ही प्रोफेशनल माहौल है, सामने लाइट्स लगी हुई हैं एंड इस पे पीछे बैकग्राउंड है ब्लैक एंड ग्रे कलर की। सो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन के आना कि जो कलर इस बैकग्राउंड से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, और आपके ऐसे ही बच जाएंगे यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे। ऐसे आप कोई भी लाइन बीट कर सकते हैं। ओके लवली सोल्स, थैंक मी लेटर। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड एक कमेंट कर दो कि हार्दिक भाई हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, ऐसी और वीडियोस लेके आओ तो हम ले आएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस आल्सो, आपको वो देख के मज़ा भी आएगा एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज माय व्लॉग्स आर इंफरटेनमेंट व्लॉग्स।